भाई दो ट्रक के बीच में टक्कर होने वाले है, ये देखो जरा ट्रक दोनों आपस में फंस गई है। इसको हम फेंक दिए थे ऊपर ही, कई दिनों से मिल नहीं रहा था, यहाँ पर था, इसके अंदर चला गया था, इसीलिए कहा जाता है हैवी ड्राइवर। ये देखो कैसे निकाल रहे हैं लो, टेढ़ा कर कर कर। इसका गुलाटी चेक करने, कितना प्यारा है। ओह पूरा देखने में डायनासोर लग रहा है। बात कर रहा है आदित्य गर्लफ्रेंड से अपनी। इस साल इंडिया के पास टोटल 100 मेडल हो गए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आ रहे जस्ट घर में से चाय ब्रेड खाकर, वैसे भी भूख लगी थी बहुत जोरों से, तो नहाए फटाफट और पूजा किए और उसके बाद चाय ब्रेड खाकर आ रहे हैं तुरंत। और तो और कल लाइट आई है रात को भाई 12 बजे के करीब, लग रहा था ऐसे कि लाइट ही नहीं है बट आ गई है। ये सब भी अंधेरे में बैठे हुए थे सब। नहीं जी, और इसका एक भाई कहाँ पर है जो वो बहुत दुष्ट है, ये भी दुष्ट बन गया, उसके साथ साथ रहते रहते जमाई आ रहा है इसको। हाथ मिला गया, मिला हाथ, मिला हाथ, मिला। वैसे कल रात को लाइट बहुत देर से आई थी, तो कल रात को हम अपना काम बिल्कुल भी कर ही नहीं पाया। जो काम करना है ना सुबह ही करना पड़ेगा, क्योंकि रात को बिल्कुल भी काम हो ही नहीं पाई है। जो रात को काम हो जाती थी वो तो हुई नहीं है। फिलहाल भाई आ गए थे घर के अंदर, अब यहीं पर बैठकर अपना जो बचा कुचा काम है उसको करेंगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक काम नहीं हो पाया रहता है ना, तब तक सर में थोड़ा सा टेंशन सा रहता है, तो यहाँ पर बैठकर अपना काम करेंगे। वरना घर के अंदर चले जाएंगे, मस्ती भी चलाकर या क्रिकेट देखेंगे, वरना सॉन्ग सुनेंगे। और एक बहुत ही मस्त खुशखबरी है, इस साल इंडिया के पास टोटल 100 मेडल हो गए। भाई बहुत ही प्राउड की बात है, सुनकर बहुत ही अच्छा सा लगता है। इंडिया बाहर जाकर जीतता है और जीतता है। तो अभी आए हुए थे छत के ऊपर, और छत पे आते ही ये देखो धूप कितनी तगड़ी वाली निकल गई। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सुबह का धूप है। सुबह जब इतनी तगड़ी वाली निकल रही है तो समझ सकते हो दोपहर में कितनी तगड़ी वाली निकल रही है। जब हम लोग कोचिंग जा रहे लोग तब, हर सुबह आया ना तो ये हमको गाड़ी मिला है। कुछ याद आ रहा है आप सभी को, पहले का आप मेरा ब्लॉग देखे हुए तब आपको भी याद होगा कि ये गाड़ी हम बहुत ही यूज किए हैं, बहुत ही इसके साथ खेले हैं। एक बार बच्चों को दे दिए थे, तो बच्चे खेलते खेलते इसको नाले में डाल दिए थे सब। अब फिर इसको निकाल कर धूल कर फिर हमको ला कर दिए थे सब, तो इसको हम फेंक दिए थे ऊपर ही छत पर। कई दिनों से मिल नहीं रहा था, यहाँ पर था, एक्चुअली इसके अंदर चला गया था। ये समझते ही हो कितना तेज़ दौड़ता है, जा दौड़ा कर दिखाते हैं। ये देखना, ये देखो वाह, गुलाटी भी उसका देखते हो कितना तगड़ा है। बहुत ही मस्त गाड़ी चलती है ये, छोटी सी है और बड़े बड़े धमाल करती है। सुबह सुबह आए तो देखे उसके नीचे तो ये गाड़ी दिखी है, तो कहीं इसको निकाल लेते, क्योंकि कई दिनों से खोज रहे थे मिल नहीं रही थी, और अचानक से मिल गई है। मिल गए तो इसको लेके चलते हैं नीचे की तरफ, रख देते हैं। इसके साथ कभी कभी खेलते रहते हैं, मज़ा आता है चलाने में। वो देखो बादल, ऐसा लग रहा है कि डायनासोर है। वो बादल को देख रहे हो, पूरा देखने में डायनासोर लग रहा है। डायनासोर का जैसा चेहरा होता है ना सेम वैसे ही चेहरा मिल रहा, वो बहुत ही बड़ा है ये बादल, तो देखने में डायनासोर ही लग रहा है। ध्यान से देखो, ये रहा उसका चेहरा मुँह, फिर वो बड़ा गया है उधर की तरफ, डायनासोर ही लग रहा है। अभी इसको चलाएं, चलाने में बहुत मजा आता है, दिखाते हैं आपको। ये देखना कैसे चलती है, इसका गुलाटी चेक करने, कितना प्यारा है। ओह मस्त चल रही है ना। आप सब भी अपने छोटे छोटे भाई और बहनों को गिफ्ट दे सकते हो ये वाली गाड़ी, ज़्यादा महंगी की भी नहीं आती है, 70-80 रुपए की आती है। देखो कितनी मस्त चल रही है। ओह अभी भाई इसको लेकर आ गए थे नीचे, अब इसको बाहर चलाया जाए, मस्त ऑफ रोडिंग करेगी ये। जब भी बाहर आते हैं तो ये पीछे पड़ जाता है, बहुत दुष्ट हो गया। इसको ये चाहिए क्या, खेलेगा? हाँ खेलेगा। ये देखना इसको जो आप अभी ले जाएंगे ना, पीछे पीछे आएगा, ये देखो आएगा पीछे पीछे, क्योंकि हाथों में ये लिए। भाई पकड़ो, दांत से पकड़ रहा है इसको, चलाते हैं, डर गया। इसको घर में ही रख देते हैं, वरना ये दोनों है सब ना तोड़ देंगे सब इसको, जहाँ पर भी नीचे रखे तो। देखो ये देखो पकड़ने के लिए। तो गाइस अभी फिलहाल हम घर में बैठकर फिल्म देख रहे थे, और साथ ही साथ अपना एक काम भी कर रहे थे स्कूल का। अभी तक अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठे नहीं है, उसको अभी कुछ देर में बैठते हैं एडिट करने के लिए, और फटाफट उसको भी करते हैं। अभी तो खिंच की फिल्म दे रहा है, आप सब भी ये फिल्म देखे होगे, बहुत ही बढ़िया फिल्म है भाई, कभी से वही देख रहे हैं। कई बार देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं ना तो अच्छा ही सा लगता है। साथ ही साथ टीवी चला लिए और अपना काम भी कर रहे हैं, इससे ये होता है ना कि तुम ना बोरिंग नहीं होगे, मस्त तरीका से काम करते जाओगे
वरना खाली बैठ कर करोगे नींद लगेगा, बोरिंग हो गए, कुछ करने को मन भी नहीं करता। टीवी सामने चलता रहे, इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। इंटरटेनमेंट से याद आया कि इसके जस्ट बगल वाले पे इंटरटेनमेंट फिल्म दे रहा है, इसी पर अभी तो प्रचार दे रहा है, दोनों पे मस्त मस्त फिल्म दे रहा है। फटाफट अपना और बच्चा कुछ काम करते हैं। तो बॉयस अभी फिलहाल आए हुए थे ऊपर, ऊपर इसलिए आए थे क्योंकि ऊपर का मौसम भाई बहुत ही प्यारा हुआ है। अभी के वक्त धूप नहीं हुई है और मौसम देखो कितना साफ लगा, कितना साफ। ये देखो बादल जरा कितना प्यारा लग रहा है। वैसे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं घर पे बैठकर। आज कोचिंग भी नहीं जा पाए, उसी को करते करते अभी फिंगर दुखने लगा। फिर कहे चलो ऊपर से घूम कर आते लो, और आज इतने सारे बंदर भी नहीं आए, आए सब बट बंदर इस पे सोए सब, इसीलिए उधर की साइड नहीं जा रहे हैं, सीढ़ी के पास बैठे। जैसे ही आएंगे सब तो फटाफट उतर जाएंगे। लेकिन ऊपर का यार मौसम क्या ही प्यारा हुआ है। सुबह सुबह तो धूप बहुत ही तगड़ी वाली निकल जा रही है, और आज ये मौसम कैसे इतना सुहाना हो गया। कभी मौसम इतना प्यारा हो जा रहा है तो कभी मौसम पूरा ही गड़बड़ हो जाए। वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे ही चले मज़ा आ जाएगा। लग रहा बारिश होगी, हो जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि दो दिन गर्मी बहुत पड़ी बहुत। छत पर आओ तो इतने सारे कबूतर उड़ते हैं सामने, इतने सारे। इन लोगों का व्यू अलग ही दिखता है। ये देखो ऊपर कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं सब। ऐसे पास में एक लोग है जो बहुत सारा कबूतर पालता है, तो उन्हीं लोगों का कबूतर पूरे दिन यहाँ पर उड़ते रहते हैं सब। वो देखो अकेले उड़ रहा है ऊपर, बहुत सारे उड़ते हैं सब। अभी फिर से नीचे जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे। वैसे उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। एक भाई से कॉपी मांग कर लाए, उसी को कॉपी से कंप्लीट कर रहा है अपना कॉपी। जैसी हो जाएगा फिर उसको दे देंगे, कल देना भी है तो फटाफट आज कर लेते हैं, वरना जल्दी टाइम ही नहीं मिल पाता है करने का। तो भाई अभी फ़िलहाल घर में बैठकर हम अपना काम कर रहे थे कभी से, और काम करते करते भाई दोनों फिंगर बहुत तेज़ दर्द करने लगे। साथ ही साथ टीवी चला दिए, बोरिंग बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है, और काम करते जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो वो भी अभी कुछ देर में हो ही जाएगा, और टाइम देख रहे हो कितना फटाफट बीत गए, पता भी नहीं चलेगा। साथ में सॉन्ग चल रहा है ना तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा स्लो कर दें वरना कॉपीराइट आ जाएगा। पूरा सामान वैसे ही बिखरा पड़ा इधर, लिखने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों फिंगर बहुत ही दर्द कर रहे हैं, और कमर में भी हल्का हल्का दर्द हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा इसको भी फटाफट करते हैं, और फिर जाकर निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो भाई अभी फिलहाल निकले हुए थे बाहर सारा काम कर कर, वैसे बैठे बैठे पूरा कमर में दर्द हो गया यार। इतना लंबा जल्दी बैठते नहीं यार, अचानक से बैठे ना तो कमर में दर्द हो गई, उसीलिए निकले थोड़ा बाहर घूमने के लिए। और ये दो साथ चल रहे हैं सब ना, ये आपस में ऐसे ऐसे चीज सुन रहे हैं सब जो आपको हम सुना नहीं सकते। इंस्टाग्राम पे जानते नहीं हो उसका आईडी में क्या क्या आता है, आलतू पालतू चीज सुन रहा है। अभी फिलहाल जा रहे लोग चाय पीने के लिए, फिर उसके बाद निकल जाएगा फिर से दोबारा घर के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। तो गाइस अभी आ गए थे चाय की दुकान पे और मस्त चाय ले ली है, सारे लोग लेकर पी रहे थे। ये देख रहे हो कितना बड़ा गिलास में पी रहा है, अरे बड़े इंसान हो गए, और वो भी छोटा गिलास में पी रहा है बट वहाँ पर जाकर पी रहा है। इसका लग रहा है गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है, बात कर रहा है आदित्य गर्लफ्रेंड से अपनी, छोड़ दी ये क्या बोल रहा है, क्यों इतना दूर जाकर फोन चला रहा है। ये देख रहे हो हम लोग से भाई दो ट्रक के बीच में टक्कर होने वाले है, ये देखो जरा ट्रक दोनों आपस में फंस गई है, बहुत थोड़ा सा गैप है, बहुत थोड़ा सा। ये देखो कैसे निकाल रहे लोग भाई, ट्रक ड्राइवर हैवी होते हैं लोग, इसीलिए कहा जाता है हैवी ड्राइवर। ये देख रहे कैसे निकाल रहे लोग टेढ़ा कर कर कर, वाह निकल गई लाइन से, यहाँ पर ट्रक ही खड़ी है सब। अभी वहाँ से मस्त अपना चाय पीकर निकल लिए चलो, आज चाय बहुत ही टेस्टी हो रहा था, ऐसा चाय जल्दी मिलता नहीं है वहाँ पर, लेकिन आज सच में बहुत ही बढ़िया बनाया था। और कल से रामलीला स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, हम लोग बहुत ही कम देखने जाते हैं लेकिन जाया जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। वहाँ पर रामायण का शो दिखाया जाता है, कई दिनों तक चलता है, कम से कम 15-16 दिन चलता है। कितना दिन चलता होगा? देखने में बहुत ही मज़ा आता है, वही पर शो चलता है जहाँ पर हम लोग आते लोग क्रिकेट खेलने के लिए। लास्ट दिन आदित्य के मौसा को मार दिया जाता है, लेकिन आदित्य बहुत खुश होता है, बहुत खुश। इसके मौसा फटते हैं ना उनमें से आवाज करता है, मेरी मामी को लेके चल जाता तो क्या करे। अच्छा चलो ये सब तो बातें होती रहेगी, और सोच रहे कि सुबह सुबह उठकर आया जाए घूमने के लिए। ये सब हमको उठाते नहीं है सब, वरना उठ जाते हैं ये दोनों के दोनों। कल खाली ये है ही नहीं, वो भी खाली नहीं होगा, थका रहता है बेचारा, हम समझ सकते हैं कि उसका फीलिंग।
पूरे दिन पबजी खेलते हैं ना, थोड़ा फिंगर थक जाते हैं, इसीलिए सोया पड़ा रहता है। आ गए चलो घूम फिर कर अपने अड्डे पे, और यहाँ पर आते ही हल्की हल्की सी गर्मी होने लगी। हमको लगा था कि आज दोपहर में बारिश होगी, बट बारिश ही नहीं। ये हमको देखता है तब खड़ा हो जाता है। तब भाई ये भी कहता हमको ब्लॉग में लिया करो, वायरल होगा ये एक दिन। नहीं जी, इसका असली नाम वायरल डॉग इसका नाम होएगा। ये भी मस्ती करता है मेरे साथ साथ, इसको भी वायरल होना है बेचारे को। हम ही को वायरल करा दो, सारे वायरल हो जाएंगे सर। अभी फिलहाल चलते लोग घर में, इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया होगा ब्लॉग तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते गाइस द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर साल याद तेनू करते रहे कोई। हम ही को वायरल करा दो, सारे वायरल हो जाएंगे सर। नहीं जी, सही बोले ना, करे नहीं भाई यार, बोल दो। हाँ बोल दो, करे सोख रहे हो ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਲਾਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ